हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ में एक स्माइल डिज़ाइनिंग केस डिस्कस करने वाला हूँ। ये देखिए, ये प्री ऑप फोटो है। इसमें इनके दांत काफ़ी बाहर निकले हुए सामने के, और गैप भी है नीचे के और ऊपर के दांतों में। एसिमेट्री है काफ़ी। तो ये ऑर्थो इन्होंने ब्रेसेस करा लिए हैं, उसके बाद में ये एसिमेट्रिकल जो दांत थे उनको सही कराने के लिए अब हम विनियर का ऑप्शन चूज़ किया है पेशेंट ने और हमने मिलके। और ये विनियर बॉन्डिंग दिखाई जा रही है इसमें लाइव माइक्रोस्कोप में। ये मैं अल्ट्रावायलेट लाइट से इसको क्योर करता हुआ, जिससे कि ये अपनी जगह पर सेट हो जाए विनियर। अब दूसरा विनियर हम बॉन्ड करेंगे इसमें। ये देखिए, ये पेगलेटरल है, छोटा सा दांत है बहुत। इसको हम साइज़ और शेप इसका बिल्कुल करेक्ट करते हुए इसको बॉन्ड कर रहे हैं। ये चेक कर रहा हूँ मैं पीछे, ये अच्छे से अडेप्ट हो गया है कि नहीं, और एक्सेस सीमेंट को हटा रहा हूँ। ये पूरा प्रोसीजर रबर डैम में हुआ है, कंप्लीट आइसोलेशन में, जिससे कि कोई मॉइस्चर ना रहे वहाँ पे, जिससे बॉन्डिंग परफेक्ट हो एकदम, जिससे कि सालों साल ये इफेक्टिव रहे प्रोसीजर जो आज हमने किया है। ये सालों साल चले ये वेनियर्स बिना निकले। ये देखिए, मैं ये एक्सेस सीमेंट को माइक्रोस्कोप के थ्रू मैग्निफिकेशन में देख के निकालता हुआ, एक्सेस सीमेंट ये निकाल रहा हूँ मैं। हेलो, इधर भी थोड़ा क्लैश हुआ है सीमेंट, इसको स्क्रब करता हुआ मैं। सरफेस देखता हुआ कि कहीं एक्स्ट्रा सीमेंट तो नहीं है, इसको निकालने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये अब क्यूरिंग हो रही है इसकी, पूरी प्रॉपर क्यूरिंग कर रही है इसकी चारों तरफ से। ये सीमेंट सारा क्योर होता है, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए, वहाँ पर चिपक जाए अच्छे से दांत के सरफेस पर। क्योरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि सारा का सारा सीमेंट प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। अगर क्योरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो निकलने का चांस बना रहता है विनियर्स का या क्राउन्स का या फिलिंग का। क्योरिंग मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट से हम उसको रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए, अब मैं ऑफिशियली चेक करता हुआ कि कहीं से एक्सेस तो नहीं है। ये मैग्नीफिकेशन और बढ़ा दी है माइक्रोस्कोप में, जिससे कि और मैग्नीफाई करके क्लियर देख पाऊँ मैं कहाँ कहाँ फ्लैश सीमेंट रह गया। यहाँ रिटेनर लगा हुआ है, देखिए और तो केस था ना ब्रेसिस का, तो परमानेंट रिटेनर पीछे लगा हुआ है पेशेंट के, जो कि 6-8 महीने तक लगा रहेगा। सामने की सरफेस देखेंगे, मार्जिन्स देखेंगे विनियर की, यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है। ये देखेंगे विनियर की मार्जिन्स चेक करता हुआ मैं मिरर में भी और डायरेक्ट विजन में भी। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैश सीमेंट है, एक अच्छा ऑप्शन होता है स्माइल डिज़ाइनिंग में, जिससे कि आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है और लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, सालों साल चलते हैं वेनियर्स। आप वेनियर्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना टेंशन के। ये वारंटी के साथ में आते हैं, देखिए इसका स्माइल रिजल्ट देखिए आफ्टर वेनियरिंग, ये बिफोर एंड आफ्टर, पेशेंट के बिफोर आफ्टर। इसकी स्माइल एकदम सिमेट्रिकल हो गई। पहले इसके सामने के दांत सेंट्रल इंसाइजर्स बहुत बड़े थे और बगल वाले लेटरल इंसाइजर्स बहुत छोटे थे, लेकिन अब बिल्कुल सेटिस्फाइड है पेशेंट, सिमेट्रिकल हो गया।